बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम यूनिट 5 कर रहे हैं डैफोडिल्स, और उसमें एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज हम उसमें कलेक्टिव नाउंस के बारे में पढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउंस द नेम यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। इट कैन बी एनिमल्स लाइक स्क्विरल्स और एलिफेंट्स। इट कैन बी थिंग्स लाइक टेबल्स और ट्रीज। कलेक्टिव नाउंस जो हैं कुछ चीज़ों के मजमूए के लिए नाम बोले जाते हैं। वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो टेबल्स और ट्रीज़ भी हो सकते हैं, हर चीज़ हो सकती है। हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे। जैसे अ सोल्जर, एक सिपाही को इंग्लिश में सोल्जर कहते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सिपाही हों तो हम उनको इंग्लिश में आर्मी कहते हैं, एन आर्मी। हालांकि एन लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एक आर्मी, लेकिन आर्मी का मतलब होता है फौज, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, इसी तरह हम एक आदमी को मैन कहते हैं। अकेला आदमी जो है वो मैन होता है, और अगर बहुत सारे आदमी हो तो हम मैन भी कहते हैं, लेकिन अगर एक ग्रुप हो तो हम उसको ग्रुप ऑफ पीपल कहते हैं। पीपल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, स्मॉल ग्रुप, थोड़े से लोग, क्योंकि पीपल का मतलब है मोर देन वन। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं तो फिर हम उनको क्या कहते हैं, उनको हम क्राउड कहते हैं, लोगों का हजूम, अ क्राउड ऑफ पीपल। हालांकि क्राउड इट्सेल्फ जो है वो प्लूरल है, लेकिन इस क्योंकि एक क्राउड है, दो क्राउड भी हो सकते हैं, तो इसलिए उसके साथ अ क्राउड आएगा। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला कहता है कि ए लोगों, सच बोलो, उस दिन सच्चों की सच्चाई उनको नफ़ा देगी, और वो जन्नतों में होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। राज़ी हुआ अल्लाह उनसे ही। कुरान की 5वीं सूरत है मायदा, उसकी 119वीं आयत है। तो सच बोलने से दुनिया में भी फ़ायदा होता है, और आखरत में अल्लाह ताला का कितना बड़ा वादा है रब्बे कायनात का कि तुम्हें जन्नतें मिलेंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक हदीस है, तुम सच्चाई को लाजिम पकड़ो और हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच बोलना नेकी के रास्ते पर डाल देता है और नेकी जन्नत तक पहुंचा देती है। अगर हम सिर्फ एक ही हदीस, एक ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच पे अमल कर लें तो हमारी दुनिया भी संवर जाए और आखरत भी। तो प्यारे बच्चों, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए बड़ी बाबरकत किताब को तर्जमे के साथ पढ़ें। हमें पता ही नहीं होता कि हमारा अल्लाह कैसा है। अल्लाह हमेशा ज़िंदा रहने वाला, कायम रखने वाला, उसने हर चीज़ को थाम रखा है। हमें ऊँग आती, हम तो सो जाते हैं, कमज़ोर हैं, रब्बे कायनात जो है उसको ना ऊँग आती है ना नींद आती है, हर चीज़ का मालिक है। तो अगर हम अपने रब को जानेंगे तो फिर ही हम अपने आप को जान सकते हैं, फिर हमारे रवैये खुद ब खुद दुरुस्त होते जाएंगे, फिर हम सच बोलेंगे, हम गंद नहीं फैलाएंगे, हम लोगों को तकलीफ़ें नहीं देंगे, लोगों को बर्दाश्त करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज से लाजिम कर लो कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ना। फिर है कलेक्शन ऑफ बुक्स जो है उसको लाइब्रेरी कहते हैं, अ लाइब्रेरी। और उर्दू में लाइब्रेरी जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं उसको कुतुब खाना कहते हैं। आपके स्कूल में भी लाइब्रेरी होगी, रोज़ अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालें। फिर है अ गैंग ऑफ बॉयज़, गैंग जो है गैंगस्टर्स भी कहते हैं, जो जत्था बना के वक्त ज़ाया करते हैं, ये नेगेटिव मानों में इस्तेमाल होता है, गैंग ऑफ बॉयज़। फिर है अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तुलबा की जमात। आप भी स्टूडेंट्स हैं तो आप हमेशा क्लास 1, 2, 3, तो क्लास का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हों, तुलबा की क्लास, तालिब इल्म। फिर है अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अब टीम में खिलाड़ियों की टीम होती है, प्लेयर्स होते हैं, खेलने वाले होते हैं, तो लेकिन एक टीम हो सकती है, जैसे क्रिकेट की दो टीमें आपस में खेलती हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन है। फिर है, आपने अक्सर सुना होगा ऑडियंस, तो ऑडियंस लिसनर्स को कहते हैं, ग्रुप ऑफ लिसनर्स। एक स्पीकर होता है जिसको लोग सुन रहे होते हैं, तो ऑडियंस कहते हैं सामईन को, सुनने वालों को। फिर उसके बाद आपने देखा होगा, हम बोलते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, इसको बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ बनाना भी हो सकता है, कोई भी फ्रूट जो के गुच्छों में आता उसको बंच ऑफ ग्रेप्स या बंच ऑफ बनाना कहते हैं। इसी तरह
आपने देखा होगा चाबियों का गुच्छा भी होता है, तो हम उसको भी अब बंच ऑफ कीज बोलते हैं, चाबियों का गुच्छा। इसी तरह आपने देखा होगा कि हमेशा जो फूल होते हैं वो गुलदस्ते में होते हैं, तो बुके ऑफ फ्लावर्स। आप देखें कि इसमें जो टी है वो साइलेंट है, उसको प्रोनाउंस नहीं करते, लिखने में लिखते हैं अ बुके ऑफ फ्लावर्स, फूलों का दस्ता। फिर इसी तरह आपने देखा होगा कि दराजों वाला एक अलमारी होती है जिसको चेस्ट ऑफ ड्रॉअर्स कहते हैं, और उर्दू में अगर हम इसका तर्जमा करें तो ये बनता है दराजों वाला संदूक। फिर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी होती है, जो बैंक होते हैं, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है चलाता है, तो इसको मजलसे मुंतजमीन कहते हैं, इंतज़ाम करने वाली मजलिस। फिर है आपने देखा होगा चींटियों को, जो हमेशा बहुत ज़्यादा होती हैं, लाइन में चलती हैं, डिसिप्लिन होती हैं, तो एन आर्मी ऑफ एंट्स, चींटियों की फौज इनको कहते हैं। फिर आपने देखा होगा कि रेंज ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स जो हैं पहाड़ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं एक के बाद दूसरा, तो इसको इसलिए रेंज ऑफ माउंटेन्स या पहाड़ी सिलसिला भी कहते हैं। फिर लकड़ियों का गट्ठा हो, ढेर हो, तो उसे अ स्टैक ऑफ वुड कहते हैं, लकड़ियों का ढेर, स्टैक ऑफ वुड। फिर आपने देखा होगा भेड़ बकरियों के रेवड़, तो जो भेड़ों का रेवड़ है उसको फ्लॉक ऑफ शीप कहते हैं, भेड़ों के रेवर को फ्लॉक कहते हैं और शीप जो है भेड़ को कहते हैं। इसी तरह जो गाय भैंस हैं उनको कैटल कहते हैं, और उनके मवेशियों के रेवड़ को हर्ड ऑफ कैटल कहते हैं, रेवड़ मवेशियों का रेवड़। इसी तरह आपने देखा होगा कि जो बैरी जहाज चलाते हैं, क्रू ऑफ सेलर्स, सेलर्स कहते हैं मलाह को, और क्रू अमले को कहते हैं जो बैरी जहाज पे अमला होता है। इसी तरह बैरी जहाज को शिप कहते हैं, और अगर बहुत ज्यादा बैरी जहाज हों तो उनको अ फ्लीट ऑफ शिप्स कहते हैं, बहरी बेड़ा, कि जिसमें एक से ज्यादा शिप होते हैं, बहरी बेड़ा कहलाता है वो। फिर आपने देखा होगा कि जो सिंगर्स हैं, गाने वाले हैं, अ क्वायर ऑफ सिंगर्स, उनको ताइफा भी कहते हैं, क्वायर ऑफ सिंगर्स जो है उसको उर्दू में ताइफा कहते हैं। फिर अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन जो है मौसीकार को कहते हैं, तो उनके ग्रोह को कलेक्टिव नाउन जो है अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स, फ्लैट्स होते हैं ऊपर नीचे, तो उनको इंग्लिश में अ ब्लॉक ऑफ अपार्टमेंट्स कहते हैं, और अपार्टमेंट्स को उर्दू में एक अपार्टमेंट को हुजरा कहते हैं। फिर आपने शेरों का ग्रोह जो है उसको प्राइड ऑफ लाइंस कहते हैं, अ प्राइड ऑफ लाइंस। वैसे प्राइड जो है वो फ़ख्र के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन प्राइड ऑफ लाइंस शेरों के ग्रोह को कहते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा परिंदे जो हैं वो भी झुंड में उड़ते हैं, तो अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, परिंदों का झुंड जो है वो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कहलाता है। फिर है बटरफ्लाइज, आपने तितलियाँ देखी होंगी, तो अ फ्लाइट ऑफ बटरफ्लाइज, कलेक्टिव नाउन फॉर बटरफ्लाइज इज अ फ्लाइट ऑफ बटरफ्लाइज, क्योंकि वो हमेशा उड़ती हुई नजर आती हैं। फिर है क्योंकि उल्लू को जो है वो वाइज, अकलमंद जानवर समझा जाता है, अ पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, उल्लू की पार्लियामेंट, जब ज्यादा आउल हो तो उन्हें पार्लियामेंट ऑफ आउल्स कहते हैं। फिर है मॉब ऑफ कैंगरूज, कैंगरूज का हजूम, कैंगरू के लिए जो वर्ड इंग्लिश में यूज होता है अ मॉब ऑफ कैंगरूज। अब आप को काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल गई है, आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। अब आपकी जो बुक है उसमें एक्सरसाइज में चार कलेक्टिव नाउन्स पूछे हैं, वो अब आप अपने दिमाग की जो रोशनी है वो ऑन करें, इन सवालों के जवाब दें मुझे। अ कलेक्शन ऑफ सिंगर्स को क्या कहते हैं? मुश्किल नहीं है, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, आप दोबारा से वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगर आपने अच्छी तरह से सुना है तो आपको याद होना चाहिए, तो लेकिन अब आप सोच के इसका खुद से लिखें, फिर हम इसका आंसर देखेंगे। इसी तरह ये क्या है, ये कलेक्शन ऑफ शिप्स है, तो जब बहुत ज़्यादा बैरी जहाज़ हों तो उनको क्या कहते हैं, ये भी अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। शाबाश, अपने जहन पे जोर दें और कोशिश करें कि आप इसका नाम लिख सकें।
फिर उसके बाद है कलेक्शन ऑफ कैटल को क्या कहते हैं, कैटल जो है मवेशी को कहते हैं, और ये भी अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो मवेशी की मवेशी होते हैं उनके ग्रोह को क्या कहते हैं। शाबाश, खुद से सोच कर लिखे। और फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स की कलेक्शन को क्या कहते हैं। ये तो आपको बहुत आसान सा है, हमारी जो आर्मी है जिंदाबाद, हर बच्चा आर्मी मैन बनना चाहता है। तो ये है अ कलेक्शन ऑफ सिंगर्स को, क्वायर कहते हैं मवेशियों को, हर्ड ऑफ कैटल, अ फ्लीट ऑफ शिप्स एंड एन आर्मी। तो उम्मीद है आपने भी बिल्कुल ऐसे ही लिखा होगा। इस आपको सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।